ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, तो आप लोग अगर अच्छी से तैयारी कर चाहते हैं, आपका जो है मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो इस सीरीज में सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए CBSE बोर्ड के लगभग 10 ईयर के, मैं एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से कराऊंगा। लगभग एक चैप्टर से 15-20 न्यूमेरिकल और थ्योरी भी जो आया हुआ उसको भी मैं फिर डेरिवेशन भी करा दूंगा। तो आप लोग सिर्फ क्या करिए, अपना प्यार बनाए रखिए, तो थोड़ा सा जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दिए दोस्तों में, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ग्रो कर जाए। ठीक है, तो चलिए ग्रो करेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। लिखा है टू आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF 1.5 इज ज्वाइंड इन पैरेलल सप्लाई, ठीक है, एनर्जी टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम ईच। बोला है कि दो ठो EMF है, देखिए सामने दिख रहा है कौन सा, एक ये है 1.5 वोल्ट का, दूसरा दो बैटरी लगी है, एक 1.5 का, दूसरा 1.5 का, और उससे एनर्जी किस में जा रही है, 7 ओम, 7 ओम को दो एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस ऊपर लगे, वो भी पैरेलल लगे। तो पूछा क्या है, चलिए थे वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल 1 पॉइंट, पर ये क्या रीड क्या करता है, ये देखिए 1.5 वोल्ट रीड करता है। इससे ये पता चल जाता है कैलकुलेट द इंटरनल, यही कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो इंटरनल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से जो वोल्टेज 1.5 जा रहा हो, 1.5 न जा कर कितने जान रहा है, 1.4 जा रहा, मतलब 0.1 का लॉस हो रहा। तो लॉस तभी हो सकता है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा हो, मतलब ज़्यादा हो, मतलब एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ना हो, तो उस कंडीशन में थे। देखिए हमारा सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा फिगर से, फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम लोग जानते हैं EEMF ऑफ सेल क्या होता है, जितना जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है प्लस I क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो इसका मतलब डिफिनीशन है EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस I करंट, और R क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब अगर हमारा R जब जीरो हो जाता है तो E और V दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बात समझिएगा, क्वेश्चन है E इक्वल टू V प्लस I into R। I देखिए E जब EMF का यूज करेंगे, अगर पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब EMF पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल दोनों सेम होगा, एक तरह से ये बोल सकते हैं जब हम लोग क्या करते हैं क्लोज सर्किट ओपन है तो ऐसा देखा। तो इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस इंटरनल जीरो नहीं है तो हम इसी को कैसे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे E = V + I, यहाँ R। तो अब R की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो E - V करेंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ अपान I हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला बनेगा E - V अपान I। ठीक है, और I इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि I इज इक्वल होता है V/R। ठीक है, I इक्वल क्या होता है V/I, जो करंट जाएगा किस में जाएगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाएगा। तो अब इसके हिसाब से E - V और यहाँ पे जब फार्मूला रखेंगे I का, तो V और R चला जाएगा ऊपर, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला हो गया E - V/R, क्या हो गया E - V/R। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखिए 1.5 क्या है, 1.5 है, दोनों जोड़ेंगे तो 1.5 मिलके कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ से वोल्टेज का जब वैल्यू जोड़ लेंगे तो यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा वोल्टेज कितना मिल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन में दिया है ना, देखिए आराम से, तो देखिएगा तो हम लोग का जो यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी किसकी,
जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी ये वाली, तो देखिएगा बैटरी भी पैरेलल है, रेजिस्टेंस भी पैरेलल है। तो जो बैटरी पैरेलल होगी, तो पैरेलल कंडीशन में हम लोग जानते हैं एक बैटरी हो या दो या तीन चार हो, एक ही बैटरी के बराबर हमारा क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि EMF हो जाएगा 1.5 और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 1.4 हो जाएगा, अपान जो है वैल्यू कितना होगा 1.4 और यहाँ पे R। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है कि R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा फिगर से वैल्यू पता चल जाएगी ना। R देखिए पैरेलल में, तो यहाँ हम लोग R लिखे हैं, तो R पैरेलल में जब लेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/7 + 1/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/7। तो R की जो वैल्यू है 7/2 मतलब 3.5 ओम। ये किसकी वैल्यू होगी, तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 ओम की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हमें जो रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1.4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5। तो हम लोग 7 से काट देते हैं, पहले पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, 14 समझिए आ गया। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 7.5 जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 ओम, इतना जो है रजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल रजिस्टेंस पर आर, पर जो सर्किट में जो जो दोनों लगा है वो पैरेलल में है। तो 1/R इक्वल टू 1/ जैसे यहाँ पे अगर डैश कर दें, इसको R लिखिए प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं R1 कर देते हैं सेम, तो 1/ ये जुड़ के कितना हो गया, क्योंकि दोनों सेम है, तो 2/ कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उल्टा करेंगे तो ये R1/2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी है, 0.25 है, जब उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 की वैल्यू 0. कितना होगा, 5 ओम होगा। इसका मतलब है एक रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 ओम हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए इस तरीके से आप क्वेश्चन, तो देखिएगा क्या है। तो क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास फिगर है, यहाँ से हम लोग देखें अगर इंटरनल जो EMF होता है वो क्या होगा, अगर हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल जो है पोटेंशियल वो वर्क कर रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो R इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस EMF/I हो जाएगा, I इक्वल VR होता है, I इक्वल V/R होता है, वैल्यू रखेंगे ये आएगा। अब यहाँ E की वैल्यू 1.5 है और यहाँ डाउट होगा तो ये जान लीजिए, जो हम लोग जो बैटरी होगी अगर उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका जो EMF होगा वो एक ही बैटरी के बराबर, और जो टर्मिनल वोल्टेज वो एक ही बैटरी के बराबर लेंगे, इसलिए इसमें इसको सबट्रैक्ट कर दे। ठीक है, और यहाँ R आ गया। अब क्या करेंगे, हमको R चाहिए, कैपिटल R दोनों का रेजिस्टेंस मिला के, दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे 3.5 आएगा, फिर यहाँ ले जाके रखेंगे, इससे काट देंगे तो 0.5, इसका मतलब इंटरनल है 0.25 कितना आ गया, ओम आ गया। देख रहे हैं पैरेलल में कम है और सीरीज में ज़्यादा है, मतलब एक का ज़्यादा दो का कम हो गया ना, तो पैरेलल हमको अलग अलग निकालना है दोनों का, तो 0.25 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0.5 ये हो गया, इतना पहले का 0.5 दूसरे का भी इतना हो गया। ठीक है, ऐसे में तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक,